भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे आज मेरठ पहुंचे, जहां उन्होंने आगामी लोकसभा में होने वाले हर वर्ग के सम्मेलनों की समीक्षा बैठक की और पदाधिकारियों के साथ मिलकर रणनीति तैयार की। इस दौरान उन्होंने मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट से प्रत्याशी के लिए स्थानीय नेताओं की बात सुनकर उसको उच्च स्तर पहुंचाकर प्रत्याशी घोषित होने की बात कही। चलिए नीचे करो। अध्यक्ष जी, मीटिंग हो रही है, चुनावी मीटिंग हो रही है, ये तो क्या लगता है कि प्रत्याशी कौन होगा? मैं यहाँ पार्टी के जो चुनाव के दृष्टि से अभी अभियान तय हुए हैं, महिला, युवा, किसान, अनुसूचित पिछड़े मोर्चों के सम्मेलन, उसकी समीक्षा करने आया हूँ। स्वाभाविक है, चुनाव घोषित हो गया है तो प्रत्याशिता पर भी कुछ फोरम पर पदाधिकारी राय देंगे, वो भी मेरे तक आएगी, केंद्रीय नेतृत्व को उसकी जानकारी पहुंचाऊंगा। मेरठ को क्या नया चेहरा मिलेगा इस बार? अध्यक्ष जी, मेरठ की जनता की यही पुकार है कि नया चेहरा मिलना चाहिए। आज जो भी कार्यकर्ता पदाधिकारियों की जनता की भावना है वह केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचाई जाएगी और प्रत्याशिता का निर्णय भाजपा का संसदीय दल करता है। एक जिम्मेवार पार्टी है, पार्टी का संसदीय बोर्ड करेगा। क्या गठबंधन जो हुआ इनका, तो गठबंधन से क्या बीजेपी सरकार पे असर पड़ेगा? गठबंधन कहीं कोई टक्कर नहीं दे पाएगा। भारतीय जनता पार्टी 2014 से भी प्रभावी बहुमत से केंद्र में सरकार बनाने जा रही है, इसमें उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रोल रहेगा। कितने सीटें उम्मीद करी जा सकती है बीजेपी से? बीजेपी ने 73+ का नारा दिया है, लेकिन आज जो माहौल बना है और जिस तरह एक मजबूत देश के लिए मजबूत सरकार, आज हर नौजवान की, माता पिता, बड़े बुजुर्ग सबकी इच्छा है और नरेंद्र मोदी जी ने अपने को साबित किया है। 73+ के नारे पर पार्टी ने आह्वान किया था। मुझे प्रदेश के कोने कोने में घूमने से ऐसा लगता है कि हम 80-80 सीटें जीतेंगे।